गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहां लापता हो गए, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच इसलिए होनी चाहिए कि जो वर्तमान में प्रधानमंत्री बैठा है वो भी नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति है, और जो गुजरात का मुख्यमंत्री था वो भी नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति था। तो विषय यह उठता है कि नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जो गुजरात का मुख्यमंत्री था, उसने पूरे देश की जनता के साथ वादा किया था, इस देश के नौजवानों के साथ वादा किया था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। उसने वादा किया था कि डॉलर के मुकाबले रुपया की बढ़ती ये गिरती कीमत हम मजबूत करेंगे रुपया को। उसने वादा किया था विदेशों में जो काला धन है उसको हम लाके 15-20 लाख रुपए गरीबों के यूं ही खाते में चले जाएंगे। उसने वादा किया था इस देश की जनता के साथ 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे। उसने वादा किया था इसी देश के किसान के बेटों से, किसान से, कि हम आपकी आय दुगुनी कर देंगे। लेकिन विषय इसलिए यह है, गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है कि जो वर्तमान में गद्दी पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो तो बिल्कुल उलट कर रहा है। वो नरेंद्र मोदी कहता था रेलवे मेरी जान है, आन है, बान है, शान है, मैं रेलवे से जितना प्यार करता हूं मैं रेलवे को कभी बिकने नहीं दूंगा। लेकिन इस मोदी ने तो बेच दिया ना, जीवन का आधार LIC, इसको तो इस मोदी ने बेच दिया ना। पूरे देश का सिस्टम को बेच दिया ना। तो उस मोदी ने तो कहा था कि हम इसकी रक्षा करेंगे, और इस मोदी ने पूरे सिस्टम को बेच दिया। तो ये जांच का विषय है कि नहीं है, कि ये वही मोदी है या कोई और मोदी है, इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। और यदि इसकी जांच करके जो व्यक्ति असली पुराने नरेंद्र मोदी को लाएगा, मैं उसको 11 रुपए का पुरस्कार दूंगा।